आइए आज हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, ठीक है, ऑर्गन के साथ साथ उनमें क्या है, हार्मोन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो इन्हीं हार्मोन का किस तरीके से कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो हम लोग इस वीडियो के द्वारा आज समझेंगे। ठीक, तो जैसे ही क्या होता है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो उनमें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो ऑर्गन है, ग्लैंड है, वो सभी क्या है, डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो उस दौरान किस तरीके से क्या हार्मोन रिलीज़ होता है, कहाँ से रिलीज़ होता है, इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारे जो ब्रेन वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है हाइपोथैलेमस। 11th में ये पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये GnRH रिलीज़ होता है और कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आता है ये, और ये किसको एक्टिवेट करता है, गोनेडोट्रॉप जो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि होते हैं, गोनेडोट्रॉप जो ग्लैंड होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। ठीक है, GnRH कहाँ से रिलीज़ हुआ, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ, और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये गोनेडोट्रॉप जो ग्लैंड होते हैं उनको, मतलब जो उसको सॉरी गोनेडोट्रॉप जो सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट करें। ठीक है, अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं ये फिर से किसको किसको स्टिमुलेट करते हैं, FSH और LH हार्मोन को। FSH और LH हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट होता है, अग्रपाली होता है, वहीं से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये किसको स्टिमुलेट किया, FSH और LH हार्मोन को, LH या फिर ICSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट यानी कि उत्प्रेरित करना। ठीक है, तो फॉलिकल बनने को यहाँ पर ये जो है हार्मोन उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर ICSH का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल, दोनों एक ही होते हैं ना। देखिए यहाँ पर लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यहाँ पर जो हार्मोन आएगा, यानी कि LH हार्मोन जो आएगा, इसी को ही ICSH या फिर LH हार्मोन बोला जाता है, जो कि आकर क्या करता है, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है क्या करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि लीडिंग सेल से आप लोग को मैं बताई थी कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के एंड जो एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड में हम लोग देखे थे काउपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, इस तरीके से ये सभी ऑर्गन के लिए और साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्यूबर्टी टू एडल्ट। ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी एज से लेकर एडल्ट एज तक जो टेस्टोस्टेरोन है इसका सिक्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है। ये क्या, ये सिंबल होता है हाई का। ठीक है, कब से, प्यूबर्टी एज से लेकर एडल्ट तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या रहता है, बहुत ही हाई रहता है या फिर अधिक मात्रा में इसका सिक्रेशन होता है, ताकि ये सभी जो ऑर्गन है ये अच्छे से डेवलप हो सके, मतलब अच्छे से इनका विकास हो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके बाद इनका जो सिक्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या बोलना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से
क्या आया, LH हार्मोन आया और ये कहाँ गए, लीडिंग सेल को। LH हार्मोन आया और लीडिंग सेल को ये क्या किए, स्टिमुलेट किए। तो लीडिंग सेल किसका सिक्रेशन किया, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करने लगा और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन से जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन सभी का क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, वो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन कहाँ को जाता है, सर्टोली सेल को जाता है। ये सर्टोली सेल और लीडिंग सेल ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, टेस्टिस के स्ट्रक्चर है। टेस्टिस का ही जब आप लोग TS स्टडी मतलब हम लोग किए थे तो उसी में ये दोनों ही सेल्स दिखाई दिए थे। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, स्पर्म को। तो यहाँ पर जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं FSH, ठीक है, यह हार्मोन आता है और इनको स्टिमुलेट करता है ताकि ये क्या करें, जो इनहिबिन प्रोटीन है, इनहिबिन प्रोटीन और साथ ही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इनका सिक्रेशन करें। ठीक है, सर्टोली सेल दो टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, इनहिबिन प्रोटीन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका शॉर्ट होता है ABP और IP। इनहिबिन यानी कि रोकना, इनहिबिट करना, और यहाँ पर एंड्रोजन बाइंडिंग यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक प्रकार का एंड्रोजन है, क्या है, एंड्रोजन। ठीक, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में ये क्या होता है कि किस तरीके से क्या फंक्शन होता है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इनहिबिन प्रोटीन है ये क्या फंक्शन करता है, कि यहाँ पर मान लीजिए FSH का क्या है, सिक्रेशन अधिक मात्रा में हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये क्या कर देता है, इसको एक फीडबैक भेजता है, एक मैसेज भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि क्या हो गया, FSH का अब सिक्रेशन नहीं होना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये क्या कर देता है, FSH के लेवल को कम कर देता है, यानी कि उसके सिक्रेशन को कम करता है, क्या करता है, इनहिबिटिंग प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन जो होता है ये FSH हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है। कैसे कम करेगा, ये मैसेज भेजता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड को या फिर डायरेक्ट क्या है, हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से क्या होता है, FSH का सिक्रेशन कम होने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हाई करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल मतलब या फिर उसका सिक्रेशन अधिक मात्रा में हो, उस चीज़ पर ये नियंत्रण करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। साथ ही साथ जो सर्टोली सेल होते हैं ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन को ये उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हार्मोन का क्या रहता है, सभी सोते आप लोग समझ सकते हो कि सोते हुए कंडीशन में रहते हैं, अगर कोई सो रहा है तो जाके उसको जगाओ और उसको जो काम करना है उसको बोलो कि आप जाकर ये करो। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक जगाने वाला होता है, फिर जगा कर उसको क्या है हार्मोन सिक्रेशन करने को बोला जाता है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है FSH और LH हार्मोन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो FSH हार्मोन यहाँ पर क्या, सर्टोली सेल के पास आता है, इसको जगाता है यानी कि स्टिमुलेट करता है कि आप इनहिबिन प्रोटीन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, LH हार्मोन आता है और लीडिंग सेल्स को जगाता है या फिर स्टिमुलेट करता है कि आप क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कीजिए। इस तरीके से है ये। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सभी ऑर्गन क्या है, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वो अधिक होने लगती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ऑर्गन है इनके द्वारा क्या है, एक फिर से फीडबैक मैकेनिज्म भेजा जाता है। ठीक है, फीडबैक भेजा जाता है, एक संदेश भेजा जाता है, उस संदेश में इसको क्या है कि अब टेस्टोस्टेरोन की उतनी अधिक मात्रा अब ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में ये मैसेज भेजते हैं कि अब इसका कम सिक्रेशन कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड को या फिर डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को ये मैसेज भेजा जाता है।
तो ये जो फीडबैक है, मैसेज भेजा जाता है, ये टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि सिक्रेशन कम करना है या फिर बंद करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके सिक्रेशन क्या है, अब इसके सिक्रेशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या है, FSH की क्या अधिक मात्रा में चाहिए, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा कि इसकी अधिक मात्रा मतलब का सिक्रेशन होना है, इसलिए वो मैसेज भेजता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इस तरीके से दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग का मैं ये क्या बोलना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी लिख दी हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। FSH का क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH या फिर ICSH का होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस तरीके से जो मेल है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें हार्मोनल कंट्रोल इस तरीके से होता है।